Vayam Prabha. Digital India. Educated India. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टेजेज ऑफ क्राइम चूँकि प्रस्तुतिकरण का विषय मेरा हिंदी में मैंने इसको ऑप्ट किया है तो आज लेक्चर नंबर टू अपराध के विभिन्न चरण स्टेजेज ऑफ क्राइम अपराध किन किन चरणों से गुजरता है कितने स्टेजेज हैं तो देयर आर फोर स्टेजेज ऑफ क्राइम अपराध के चार चरण हैं पहला है अपराध करने के लिए मस्तिष्क में आपराधिक आशय का होना तो पहला होगा कि इंटेंशन टू कमिट क्राइम अपराध करने का आशय होना सेकेंड स्टेज है तैयारी प्रिपरेशन आशय के पश्चात संसाधनों का संग्रह किया जाना अपराधी के मस्तिष्क में पहले तो विचार आपराधिक विचार आते हैं विचार के पश्चात वह उस अपराध को करने के लिए संसाधनों को संग्रह करता है कलेक्ट करता है तो कलेक्शन ऑफ मीन्स संसाधनों का संग्रह किया जाना फॉरवर्ट टू कमिट क्राइम तो सेकेंड स्टेज हो गया प्रिपरेशन अब प्रिपरेशन के पश्चात अपराध करने के दिशा में अपराधी के द्वारा उठाया गया कदम स्टेप लिया गया कदम तो हम उसको अटैम्प्ट बोलते हैं प्रयत्न बोलते हैं अपराधिक प्रयत्न और उस आपराधिक प्रयत्न के पश्चात कार्य का पूर्ण होना क्षति का होना तो ये चार स्टेजेज हैं फोर स्टेजेज क्या बताया मैंने पहले आपराधिक आशय दूसरा तैयारी तीसरा प्रयत्न और चौथा कार्य का पूर्ण होना या क्षति इंटेंशन टू कमिट क्राइम फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम अपराध करने की तैयारी एंड देन अटेम्प्ट तैयारी के पश्चात अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम यह प्रयत्न आपराधिक प्रयत्न और आपराधिक प्रयत्न के पश्चात यदि क्षति हो गई अपराध का पूर्ण होना किसी अपराध को घटित होने पर अपराध के घटित हो जाने के पश्चात यदि हम उसके स्टेजेस को क्लासिफाई करें विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि कोई भी अपराध इन चार चरणों से होकर के गुजरा होगा उदाहरण के तौर पर मर्डर हत्या यदि मर्डर को देखा जाए मर्डर कमिट करने के पश्चात मर्डर घटित हो जाने के पश्चात यदि हम देखें विश्लेषण करें तो पाएंगे कि पहले उस हत्यारे के मस्तिष्क में हत्या करने का विचार आया होगा इंटेंशन टू कमिट मर्डर उसके मस्तिष्क में विचार आया होगा उस मर्डर को कमिट करने के लिए वह संसाधनों को संग्रहित किया गया किया होगा जिस भी हथियार से जिस भी विपिन से उसको मारना होगा वह संसाधन इकट्ठा किया होगा और उस संसाधन को इकट्ठा करने के पश्चात योजना बनाने के पश्चात वह उसे अंजाम दिया होगा वह एक कृत्य क्या होगा और उस कृत्य के पश्चात जो क्षति हुई वह उस मृतक की मृत्यु का घटित होना ये चार तत्व जब हम अपराध को घटित होने के पश्चात उसका विश्लेषण करेंगे किसी भी अपराध के घटित होने में जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि ये चार ही तत्व चार ही स्टेजेज होते हैं चार ही प्रक्रमों के माध्यम से वह अपराध घटित होता है तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति के जो पहला स्टेज है उसको आपराधिक विधि के अंतर्गत तो अपराध नहीं घोषित किया गया कारण क्या है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है क्या वह सोच रहा है इसको हम प्रथम स्टेज पर अपराध नहीं घोषित कर सकते अगर इसको पहले घोषित कर दिया जाए तो यह एक प्रकार से किसी प्राधिकारी पुलिस प्राधिकारी को एक लाइसेंस देना हो जाएगा कि कानून का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाएगी कि जब कभी भी पुलिस को लगेगा कि किसी को हमको अरेस्ट करना है तो वह कर सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके मस्तिष्क में अपराध करने की बातें चल रही थी इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया तो अपराध का जो प्रथम स्तर है इंटेंशन टू कमिट क्राइम इस स्तर को दंडनीय नहीं बनाया गया है और दंडनीय न बनाने के कारण यह है कि यह अपराध का जो प्रथम स्तर है यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अभ्य का मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसको ईश्वर इस भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता अनुमान लगा सकता इसलिए आपराधिक विधि के अंतर्गत प्रथम स्तर को दंडनीय नहीं बनाया गया अब द्वितीय स्तर की बात करें तैयारी प्रिपरेशन तो तैयारी को भी आपराधिक विधि के अंतर्गत दंडनीय नहीं बनाया गया है सामान्यतः उसका कारण यह है कि यदि हम तैयारी को दंडनीय बना दें तो कोई भी व्यक्ति जो हो सकता है अपने किसी सदकर्मों में अच्छे कार्यों के लिए कुछ संसाधनों का संग्रह कर रहा हो अपने डिफेंस में वह लाइसेंसी बंदूक ले रहा हो लेकिन यदि तैयारी को भी आपराधिक अपराध घोषित कर दिया जाए तो पुलिस के लिए एक लाइसेंस देना हो जाएगा कि पुलिस उस व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट कर लेगी यह कहते हुए कि इन्होंने पिस्टल लिया था लाइसेंस भले ही उन्होंने लाइसेंस रखा है पिस्टल लिया है लेकिन यह अपराध करने वाले थे इसलिए मैंने उस अप्रिहेंशन में इनको अरेस्ट कर लिया तो तैयारी के स्तर पर चूंकि अभ्युक्त का आशय स्पष्ट नहीं हो पाता इसलिए इस द्वितीय स्तर को भी सामान्यतः अपराध घोषित नहीं किया गया है परंतु स्लाइड के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे कि तैयारी को किन किन जगहों पे अपराध घोषित किया गया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तैयारी को कहाँ कहाँ पर अपराध घोषित किया गया तो पहला है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करने तैयारी तैयारी करना जैसा कि मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी के लिए संसाधनों का संग्रह करना ये ऐसे अपराध हैं जिसमें देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है इसलिए यदि कोई ऐसे संसाधन जो अभियुक्त के द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से संग्रहित किए जा रहे हैं इकट्ठा किए जा रहे हैं तो इकट्ठा करने के स्तर पर ही हम द्वितीय स्तर पर ही उसको दंडनीय बना दिए हैं और अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है मात्र इस आरोप में कि वह जो आयुध हैं जो वेपन्स हैं वह इकट्ठा कर रहा था सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आधार पर और ये ये अपवादिक परिस्थितियों में अपराध के द्वितीय स्तर को इसलिए अपराध अपराध घोषित किया गया जिससे कि देश की एकता और अखंडता को अछूड़ रखा जा सके ये एक्सेप्शनल केस में सेकेंड स्टेज को हमने आई के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसको अपराध घोषित किया गया है हमने बताया पहले ही बताया कि तैयारी सामान्यतः अपराध नहीं है परंतु आपवादिक परिस्थितियों में ये अपराध घोषित किया गया है जबकि अभियुक्त का आशा स्पष्ट होने लगता है इन परिस्थितियों में कि वह जो ऐसे खतरनाक आयुध हैं हथियार हैं जो संग्रहित कर रहा है उसका कारण क्या है उसका स्पष्ट उसका उद्देश्य उससे परिलक्षित होता है इसलिए द्वितीय स्तर पर उसके कार्य को भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत तैयारी के रूप में ही दंडनी बनाया गया है दूसरा उदाहरण हम देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत सिक्कों का कूटकण करना जो काउंटर फिटिंग ऑफ क्वाइंस है कि सिक्कों के मुद्र सिक्कों को छापना उनका उनके नकली सिक्के बनाना यह भी एक प्रकार से अपराध है और तैयारी के स्तर पर भी इसको दंडनीय बना दिया गया है तीसरा देखते हैं आईपीसी के अंतर्गत कि तैयारी को दंडनीय बना दिया गया है जब डकैती के लिए तैयारी कोई कर रहा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध करने के लिए तैयारी किया जाना मतलब डकैती की तैयारी करना यह अपराध माना गया है यद्यपि वह अपराध अभी घटित नहीं हुआ है क्षति नहीं हुई है परंतु पांच या पांच से अधिक व्यक्ति डकैती करने के लिए गैंग रॉबरी करने के लिए वह तैयारी कर रहे थे उसी स्तर पर तैयारी के स्तर पर भी उनके कार्य को अपराध घोषित किया गया है तीसरा ये हो गया डकैती के लिए तैयारी करना अब इस तैयारी को और प्रयत्न को दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के लिए यह दृष्टांत ये उदाहरण बहुत ही उपयोगी होंगे जैसे कि किसी एक महिला के द्वारा अपने पारिवारिक कारणों से तंग आकर के और वह घर से यह सुनते हुए कि अब वह जा रही है अपने जीवन को समाप्त कर लेगी और घर के सामने कुआं है कुएं में मैं कूद जाऊंगी ये पहले के दृष्टांत दिए गए आई पी सी की बनी हुई है और 1860 का भारत और 1807 का विकसित भारत यदि उसकी कल्पना की जाए तो जिन परिस्थितियों परिवेश में भारतीय जनसंख्या बनी थी अठारह में उस समय शायद ऐसे ही आज हो सकता है छात्रों के लिए कुआँ कुप ऐसे जो उदाहरण दृष्टान दिए गए इस कानून के अंतर्गत ये सारे कहानी के रूप में रख सकते हैं बहुत से लोग हो सकता है जानते भी ना हो सुने भी ना हो कि क्या चीज़ें हैं कुआँ क्या है वेल क्या है फिर भी चूँकि आई जो भारतीय दंड संहिता है ये अंग्रेजों ने बनाई अट्ठारह में बनाई और उस अट्ठारह का कानून आज भी चल रहा है और उसी के अंतर्गत दंड विधि को नियंत्रित करने के लिए हम अपराधियों को दंड भी देते हैं तो दृष्टांत भी उसी परिस्थितियों के बने हुए हैं और लाजमी है कि उस दृष्टांत को आज भी उद्धृत किया जाएगा तो उसमें जैसे एक दृष्टांत दिया हुआ कि अगर एक महिला अपने बच्चे को लेकर के घर से निकलती है यह कहते हुए कि आज वह अपना आत्महत्या करके प्रतिदिन के झगड़े को पारिवारिक कलह को समाप्त कर लेगी यह कहते हुए दौड़ती हुई घर से बाहर निकलती है अपने दो वर्ष के बच्चे को लेकर के कुएं में कुएं की तरफ भागती जाती है अब इसको पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है जैसे लाक ओ करके बहुत सारे छात्र हमारे प्रतियोगी परीक्षा है आई एस या पी एस एस यू पी एस सी के एग्ज़ाम देते हैं या प्रोविंशियल्स भी से जुडिशियल के एग्जाम देते हैं जुडिसरी जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की परीक्षाएँ देते हैं तो उसमें चार विकल्पों के अंतर्गत एक विकल्प ये भी होता है कि इसमें कौन सा उसने अपराध किया है और उसी के आधार पर आपका भविष्य निर्धारित होना है अब उस महिला के द्वारा अपने दो वर्षीय बालक को लेकर के घर से चिल्लाते हुए यह जाना कि वह आज अपने जीवन को समाप्त कर लेगी उस महिला ने कौन सा अपराध किया है पहला उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया उसने आत्महत्या की कोशिश तैयारी की उपरोक्त में से दोनों कथन असत्य हैं कोई नहीं इस प्रकार के विकल्प इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत तो इतना यदि साक्ष्य है तो उस स्त्री के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया ये मात्र तैयारी की कोर्ट में आता है अटेम्प्ट भी नहीं हुआ यह आपराधिक प्रयत्न भी नहीं माना जाएगा इसलिए उसे मात्र तैयारी के लिए ही उसे तैयारी मानी जाए तैयारी माना जाएगा और उसको दंडित नहीं किया जाएगा दूसरा आ, दूसरी स्थिति मैं इसको दूसरे दृष्टान तैयारी के लिए बताऊं तैयारी और अटैम्प्ट में बहुत ही बहुत ही करीबी जैसे लगता है बहुत ही क्लोज़ है दोनों एक दूसरे के जैसे क एक व्यक्ति अपने पड़ोसी ख की हत्या करने के लिए एक लाइसेंस पिस्टल लाइसेंस पर लेता है और पिस्टल खरीदता है और पिस्टल में गोली भर करके अपने पड़ोसी का पीछा करने के लिए शहर में निकल लेता है उसको सूचना मिलती है कि शहर में पड़ोसी गया है और वह अपने पड़ोसी की हत्या करने के लिए घरी हुई पिस्टल घर से लेकर निकलता है कौन ने कौन सा अपराध किया है इस प्रकार की भी समस्याएं प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जामिनेशन में तो हमको देखना है कि जो रिमोटनेस ऑफ टारगेट है कि जो टारगेट हमारा कितना रिमोट है कितना क्लोज है यदि हमारा जो टारगेट लक्ष्य है अपराध करने का यदि बहुत ही करीब बहुत क्लोज है तो निश्चित रूप से वह अटेम्प्ट की कोर्ट में आएगा आपराधिक प्रति की कोर्ट में आएगा यदि उसमें रिपोर्टनेस है यदि लक्ष्य जो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है अभियुक्त अपराधी यदि वह रिमोट है बहुत दूर है दूरस्थ है तो वह मात्र तैयारी होगी अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा तो इस उदाहरण के माध्यम से दो दूसरा दृष्टांत मैंने बताया कि क एक पड़ोसी क एक, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी ख की हत्या करने के लिए पिस्टल में गोली भर करके और उसका पीछा करता है इतना यदि साक्ष्य है इतना तथ्य है और इसके आधार पर उसकी लाइबिलिटी को डिसाइड करना है तो आपका उत्तर सदैव यह निगेटिव होगा कि क को ने कोई अपराध नहीं किया है ये मात्र तैयारी है वह विचार कभी भी विचार बदल सकता है विचार बदलने की संभावना बनी हुई है वह कभी भी अपने विचार से पीछे हट सकता है अतः यह मात्र तैयारी होगी और अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा तो दो बातों को ध्यान रखना है ये तो मैंने बताया कि अपराध का जो द्वितीय चरण है तैयारी उसको दंडनीय क्यों नहीं बनाया गया और दंडनीय बनाया गया तो क्यों बनाया गया अब इसके पश्चात तीसरा जो स्टेज है वह मैं बताने का प्रयास करूंगा तीसरा जो स्टेप है अटेम्प्ट है आपराधिक प्रयत्न है कि किसी भी अभियुक्त के द्वारा आपराधिक आशय के साथ संसाधनों को संग्रहित करने के पश्चात जो तीसरा कदम होगा वह अपराध की दिशा में उठाया गया पहला कदम स्टेप लिया गया पहला निर्णय वह अटेम्प्ट की कोर्ट में आएगा आपराधिक प्रतिन आएगा यद्यपि कि को परिभाषित नहीं किया गया आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है बट बत ये बताया गया है कि किस किस अटेम्प्ट को हम अपराध मानेंगे तो अटेम्प्ट को हम सामान्य भाषा में यदि समझाने का प्रयास करें समझने का प्रयास करें तो प्रयत्न को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा आपराधिक मामलों में अपराध करने के लिए उठाया गया अपराध की दिशा में उठाया गया पहला कदम कहलाता है प्रयत्न कहलाता है वे कौन सी धाराएं हैं जहां पे आपराधिक प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया अब अपराध का जो तृतीय चरण है अटेम्प्ट उसमें अभियुक्त का जो इंटेंशन है वह स्पष्ट होने लगता है परिलक्षित होने लगता है कि वो क्या करना चाहता है तो इसलिए अटेम्प्ट को प्रत्येक अटेम्प्ट को अपराध माना गया है जो अपराध का तीसरा स्टेज है इसको तृतीय स्तर पर हम प्रयत्न को अपराध घोषित भारतीय जनसंहिता घोषित कर दी है कारण उसका है कि इस स्तर पर अभियुक्त का जो इंटेंशन है वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है स्पष्ट हो जाता है कि वह क्या करना चाहता है जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं कहूँ कि मैं इस पूरे क्लास में मेरे सभी छात्र बैठे हुए हैं मेरे मस्तिष्क में किस छात्र के प्रति क्या बात चल रही है मैं पढ़ा भी रहा हूँ क्लास ले रहा हूँ मेरे मस्तिष्क में किस छात्र के प्रति दुराग्रह है किस छात्र को मैं अपने इस पेन से उसको मारना चाहता हूँ मेरे मस्तिष्क में ये बात अभी स्पष्ट नहीं है और मैं सोच क्या रहा हूँ ये कोई भी नहीं बता सकता अब मैंने ये पेन उठाया और मैंने पेन रख लिया तो ये मेरा अटेम्प्ट है मैंने अभी कुछ किया भी नहीं मैंने पेन लिया हो सकता है मैं पेन से समझाने का प्रयास करूँ आपको पेन से बताने का कुछ प्रयास करूँ आपको तो ये भी एक प्रिपरेशन है मात्र लेकिन जैसे मैंने ये पेन उठाई और आपके ऊपर मैंने इसको मारने का प्रयास किया ऐसे ही फेंका एक टारगेट करके एक व्यक्ति को किया आगे बैठे हुए किसी छात्र के ऊपर मैंने इसे पेन फेंका और उसको लग गया ये जो मैंने ओवर एक्ट किया है जो मैंने फिजिकल एक्ट कर दिया शारीरिक कृतिक कर दिया इससे मेरा इंटेंशन भी क्लियर हो गया और मैंने जब पेन उठाई तो मेरा प्रिपरेशन भी क्लियर हो गया तो अब ये जो तीसरा स्टेज है मुझे पेन मेरे द्वारा पेन उठाना मेरे इंटेंशन को भी स्पर्श कर दिया और यह जो मैं पेन उठा रहा हूँ मेरी प्रिपरेशन हो गई और मैंने केवल इसको टारगेट करके पहले छात्र को ही मैंने मारा या कॉर्नर में बैठे हुए छात्र को मैंने मारा तो मेरा जो है आशय भी क्लियर इंटेंशन टू कमिट क्राइम प्रिपरेशन टू कम प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम पेन उठाया और यह अटैम्प्ट टू कमिट क्राइम मैंने उसको मारा है तो यह भी असॉल्ट किया उसके ऊपर हमला किया ये मेरा आशय स्पष्ट हो गया तीसरे स्तर पर तो आपराधिक प्रयत्न तीसरा जो स्टेज है इस पर अभियुक्त का इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है अतः यह दंडनीय बनाया गया है अब हम इसको देखेंगे कि आईपीसी के किन किन धाराओं के अंतर्गत अटेम्प्ट को दंडनीय बनाया गया है तो हम बातें हैं कि जो पहली धारा है वह है 307, 307, 307 के अंतर्गत टू मर्डर को परिभाषित किया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हत्या करने का प्रयत्न करता है वह धारा 307 के अंतर्गत अपराध करता है तो एक धारा 307 हो गई दूसरा है आत्महत्या का प्रयत्न करना जो कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन को समाप्त करने का अटेम्प्ट करता है समाप्त हो जाता है समाप्त कर लेता है तो वह अपराध नहीं है आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति मर जाता है तो वह कोई अपराध नहीं है वह बच जाता है तो वह अपराध करता है कानून की नज़र में वह अपराधी है भले ही वो अपना ही जीवन समाप्त क्यों न करना चाह रहा हो तो धारा तीन सौ नौ आई पी सी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को जो स्वयं का जीवन समाप्त करने का अटेम्प्ट करता है बच जाता है तो वह अपराध करता है आई पी सी की धारा तीन सौ नौ के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध माना जाएगा ये मैंने बताने का इसमें प्रयास किया है आप इसको देखें स्लाइड के माध्यम से कि तैयारी और प्रयत्न में कौन कौन सी सुसंगत धाराएं आईपीसी के अंतर्गत दी गई हैं तो एक हो गया धारा तीन धारा तीन आत्महत्या का प्रयत्न करना अपराध है लूट का प्रयत्न करना अटेम्प्ट टू रॉबरी ये धारा तीन सौ तिरानवे आई पी सी के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है जैसे कि हमने पहले बताया कि अपराध के चार तत्व हैं क्षति न भी हो तो भी अपराध माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति भय कारित करके क्षति का तत्काल भय कारित करके या मृत्यु का तत्काल भय कारित करके कोई वस्तु लेने का प्रयास करता है परंतु वह निष्फल हो जाता है पुलिस पहुंच जाती है अगर वह ले लेता है तब तो कंप्लीट अपराध है तब वह लूट माना जाएगा लेकिन वह वस्तु ले नहीं पाया किसी बाह्य हस्तक्षेप के कारण वह अपराध कंप्लीट नहीं हो पाया तो यह प्रयत्न माना जाएगा किसी बाह्य हस्तक्षेप के कारण या संसाधन की क्षमता अक्षमता के कारण यदि क्षति नहीं हो पाई तो वह अपूर्ण अपराध के रूप में ही स्तर पर अटैम्प्ट के स्तर पर ही प्रयत्न के स्तर पर भी उस कार्य को अपराध घोषित किया गया है अब इसको हम दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास कर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करने की तैयारी और प्रयत्न में कैसे अंतर स्थापित किया जाए दृष्टांत के माध्यम से और यह स्पष्ट हुआ जो आई की धारा पाँच में दृष्टांत दिए गए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी की दो धाराओं में स्पष्ट दिया गया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या है वे सभी कृत्य जो किसी धारा में प्रयत्न को विशिष्ट रूप में परिभाषित नहीं किए गए हैं वे सभी अटेम्प्ट धारा 511 के अंतर्गत कवर किए गए हैं मैंने बताया आईपीसी में पूरी धाराओं की संख्या 511, जो सबसे अंतिम धारा है आईपीसी की 511, उसमें क्रिमिनल अटेम्प्ट को डिफाइन और पनिशेबल बनाया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वे सभी वे वे सभी प्रकार के आपराधिक प्रयत्न जो किसी धारा में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है दंडनीय नहीं बनाए गए हैं वे सभी आपराधिक प्रयत्न धारा 511 के अंतर्गत माने जाएंगे जैसे कि हत्या का प्रयत्न है तो इसको विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली आईपीसी की धारा 307 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड स्पेसिफिकली ये धारा 309 में परिभाषित किया गया है तो वहाँ पे 511 लागू नहीं होगी लेकिन चोरी का प्रयत्न करना चोरी एक कंप्लीट अपराध है लेकिन चोरी का प्रयत्न यह कोई धारा नहीं इसके लिए आईपीसी में तो कट टू कमिट थेप्ट चोरी करने का प्रयत्न करना यह आईपीसी की धारा 511 के अंतर्गत कवर किया जाएगा उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे रेलवे स्टेशन पर पाकिटमार के द्वारा एक व्यक्ति के जेब में हाथ डालना और उस व्यक्ति का जेब खाली है जेब में पर्स नहीं है यह इसको तैयारी माना जाए या आपराधिक प्रयत्न माना जाए इसमें प्रायः छात्रों के द्वारा गलतियां की जाती हैं और जिन समस्याओं के कारण वह प्रारंभिक परीक्षा से बाहर होते हैं प्री परीक्षा से बाहर होते हैं तो ज़्यादातर का जो उत्तर होगा, होगा कि होगा कि नहीं उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि जेब खाली है जेब खाली होने से और अपराध के होने से कोई अंतर नहीं है कोई उस अभ्युक्त यदि वह जेब खाली न रहा होता जेब में पर्स रहा होता तो क्या होता इस अवधारणा के आधार पर लॉ उसको पनिशमेंट देती है कि वह पाकिटमार अपने उद्देश्य में सफल हो गया होता यदि उस व्यक्ति के पॉकेट में पर्स रहा होता तो पाकिटमार उस पॉकेट उस पर्स को निकाल लिया होता अपने उद्देश्य में सफल हो जाता अतः पॉकेट में पर्स का न होना उसकी लाइबिलिटी में कोई संबंध नहीं है उसने अपना वे सभी कार्य कर दिया उसने उसके इंटेंशन टू कमिट क्राइम उसके उसका आशय था अपराध करना पॉकेट मारना उसने पूरी प्रिपरेशन की उसने मौके का तलाश किया कि कब उसमें पॉकेट में हाथ डालना है अटेम्प्ट भी कर दिया उस दिशा में उसने कार्य भी कर दिया उसमें हस्तक्षे उसने हाथ भी डाल दिया उसके पैकेट में अब किस कारण से वह कंप्लीट अपराध नहीं हुआ पर्स नहीं था या पॉकेट में वह उसका पाकेट खाली था ब्लैंक था तो ये संसाधन का अक्षम होना बाह हस्तक्षेप होना पुलिस पकड़ ली उसको उसका हाथ पकड़ ली इसलिए वह तो अटेम्प्ट टू कमिट माना ये यह प्रयत्न उसने अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर दिए अपराध करने का केवल मात्र एक आधार में असफल हो गया कि वह जेब खाली था वरना वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता अतः तो इस आधार पर कानून उसको दंडित करती है तो ये माना जाएगा कि उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए चोरी के प्रयत्न के लिए उसको तरदाई ठहराया जाएगा दूसरा दृष्टांत जो बहुत ही पॉपुलर है इस पर बहुत ही कोट किया जाता है और आईपीसी का जो जिसको जनक कहा जाता है वो लॉर्ड मैकाले ने बनाया इसको आईपीसी को तो so आप सभी जानते होंगे लॉर्ड मैकाले के द्वारा आईपीसी 1860 बनाई गई उसको उनको फाउंडर कहा जाता है एक दृष्टांत आता है जिसके माध्यम से तैयारी और प्रति में अंतर स्थापित करने का समझने का प्रयास करेंगे कि एक पाकिटमार रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के जेब में हाथ डालता है पॉकेट मारने के लिए हाथ डालता है परंतु उस जेब में भरी हुई पिस्टल पिस्टल जेब में रखा हुआ होता है और पॉकेट मार जैसे उसके उस व्यक्ति ख एक पॉकेट मार ख नामक व्यक्ति के पॉकेट में पॉकेट मारने के लिए चोरी करने के आशय से हाथ डालता है परंतु ख के जेब में भरी हुई पिस्टल होती है लोडेड पिस्टल होती है और पिस्टल का टीगर दब जाता है और ख की मृत्यु हो जाती है अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या उस मार को क्या उस पाकिट मार ख को, को ख की हत्या के लिए दंडित किया जाए या मात्र मारी के लिए उसको दोष सिद्ध किया जाए दंडित किया जाए ये ऐसे ऐसी समस्याओं के अंतर्गत प्राय हम देखते हैं छात्रों के द्वारा गलती करने का प्रयास अब इसमें देखा जाएगा कि उसका इंटेंशन टू किल मतलब उस व्यक्ति को मारने का उसका आशय था या मात्र जो है चोरी करने का आशय था पाकिट मार के द्वारा हाथ में मतलब पर्स में पाकेट में हाथ डालना और पिस्टल उसके पिस्टल का ट्रिगर दब जाना उसकी मिथ हो जाना ये शायद मार को ज्ञात भी नहीं होगा कि किसी हर व्यक्ति के जेब में पिस्टल होती है हर व्यक्ति जेब में पिस्टल लेके चलता है पेशेवर पाकिटमार है और उसका पैसा है पैकेट मारना कई अपराधों में दंड कई अपराधों में पाकिट मारो पाकिट मारने के आरोप में वह पकड़ा जा चुका है तो इस समस्या जो मैंने अभी अभी समस्या बताई इस समस्या के अंतर्गत उस पाकेट मार को मात्र चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए न कि हत्या के लिए क्योंकि हत्या के लिए अपराधी ठहराना उसको दो सिद्ध करना यह अन्याय होगा क्यों क्योंकि जो कार्य किया है उस जो जो अपराध के स्टेजेज हैं जो अपराध के चरण हैं हमने देखा कि इंटेंशन टू किल था या नहीं था उसको मृतकायित करने का उसका आशय था या इंटेंशन टू पिक पॉकेटिंग था या उसका पॉकेट मारने का आशय था या उस पॉकेट मारने के लिए उसने प्रिपरेशन की अटैम्प्ट किया उसने अटैम्प्ट जो किया अटैम्प्ट टू किल नहीं था मारने का उसका प्रयत्न नहीं हुआ अटैम्प टू किल तो इस अपराध के जो चार चरण हैं इन चार चरणों में हम देखेंगे कि उसका जो आशय है वो इंटेंशन टू कमिट क्राइम तो है लेकिन इंटेंशन टू किल नहीं है उसको मारने का आशय नहीं था तो इसलिए पाकिटमार मात्र चोरी के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा आप सभी के लिए ये आवश्यक है कि इस दृष्टांत को ज़रूर देखें अन्यथा समस्या बहुत ये बार बार ये समस्याएँ पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और यह कोर्ट किया गया है टेक्स्टबुक के अंतर्गत अब ये दो दृष्टांत हो गए तीसरे दृष्टांत के माध्यम से मैं तैयारी और प्रयत्न में अंतर बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप सभी इसमें बहुत ही क्लोज बहुत ही बारीक अंतर है परंतु अंतर है देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट उसमें बारीक रेखा है परंतु दैट लाइन कैन बी ड्रॉन उसमें एक रेखा खींची जा सकती है वो तैयारी और प्रयत्न के अंतर्गत अभी दूसरा दृष्ट इस दृष्टांत के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूँ आप ये समझ पाएंगे कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है जैसे एक महिला अपने छः माह के बच्चे को गोद में लेकर के पारिवारिक कलश से तंग आकर के घर से आत्महत्या करने के लिए चिल्लाती हुई घर से निकलती है कि आज वह वह कुएं में कूद कर मर जाएगी लेकिन जैसे ही कुएं में वह पैर अपना लटकाती है जैसे ही कुएं में गिरने का लिए एक पैर उसका गया तब तक पीछे से लोग दौड़ते हुए हैं पड़ोसी पड़ोसी दौड़ता है और उसका बांह पकड़ करके खींच लेता है अब उस इस समस्या में ये दृष्टांत इस प्रकार के उदाहरण रजिस्ट्रेशन जो है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह उस महिला के द्वारा कौन सा अपराध किया गया यह मात्र तैयारी है वह उसने आपराधिक टू हत, आत्महत्या का प्रयत्न का दोषी होगी तीसरा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं ये दृष्टांत इस प्रकार के ऑप्शन विकल्प आते हैं परीक्षाओं में ये जो मैंने दूसरी इसके पहले भी उसी इसी तरह की हमने एक समस्या बताई थी वह समस्या और ये दोनों सेम है नहीं इसमें कुछ अंतर है इसमें अंतर यह है कि महिला के द्वारा कुएं के बिल्कुल समीप जाना और कुएं में कुएं के समीप जाकर पैर लटका देना अब वह विचार अपने बदलने की संभावना खत्म हो चुका था वो उसने पूरा कार्य कर दिया था ये तो पड़ोसियों का था कि उसके पीछे दौड़ते हुए गए और उसको पकड़ करके खींच लिए तो इस स्थिति में यह आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा अटैम्प्ट टू सुसाइड माना जाएगा और पहले जो मैंने बताया घर से निकलते हुए कुएं और उसके बीच की दूरी अगर 500 मीटर है 200 मीटर की दूरी है और वह घर से निकलती है तो अभी वह जो उसका टारगेट है दूर है बीच में कहीं उसको अगर पकड़ लिया जाता है और वह बीच में नहीं भी पकड़ी जा पकड़ी जाती है तो बीच में कहीं भी उसको विचार बदलने की संभावना है अंतिम क्षण तक वह विचार बदलने की संभावना रखती है इसलिए वो पहले वाला जो मैंने जिस बताया उसमें मात्र तैयारी होगा लेकिन कुएं में अगर पैर उसको लटका दिया उसको खींचा गया पीछे से अटेम्प्ट हो गया आपराधिक प्रयत्न के लिए वह दोषी मानी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग ये दो दृष्टान्त जो भी हमने दृष्टांत बताए हैं तैयारी और प्रयत्न में इन दोनों दृष्टांतों के माध्यम से आप सभी ये लोग तैयारी और प्रयत्न में अंतर समझ गए होंगे तो तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करने के लिए मैं दो दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से ही दोनों में अंतर स्थापित और बेहतर समझा जा सकता है छात्रों के लिए प्रायः ये उदाहरण प्रायः दृष्टांत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से किसी भी स्टेट की राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो उसमें पूछा ही पूछा जाता है जैसे कि मैं एक अन्य दृष्टांत के माध्यम से इसको और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ जैसे एक व्यक्ति के द्वारा किसी दुकान से एक दवा ख़रीदना कि वह दवा अपने किसी मित्र को मारने के लिए वह पॉइजन जहर की दवा उसको दूध में मिला कर देगा दवा का खरीद के लाना घर पे रखना और उसका दवा को दूध में मिला करके डाइनिंग खाने के टेबल पर रखना और वह अपने मृत्यु अपने मित्र के मृत को मित्र को मृत्यु करना चाहता है उसको इन्वाइट करता आमंत्रित करता घर पे खाने के लिए उसमें पॉइजन मिला करके गिलास में दूध मिला के उसमें रख देता है जिससे कि उसका मित्र पिएगा दूध पिएगा और वह उसकी मृत्यु हो जाएगी कौन ने कौन सा अपराध किया है यहाँ पर इस प्रकार की समस्याओं के आधार पर भी हम तैयारी और प्रयत्न को समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह कार्य मात्र तैयारी माना जाएगा प्रिपरेशन माना जाएगा इंटेंशन टू कमिट क्राइम था कि उसने दुकान से खरीदा पॉइजन लाया उसको मिक्स किया दूध में मिलाने के लिए तो ये इंटेंशन टू कमिट क्राइम प्रिपरेशन भी हो गया उसने पॉइजन की मेडिसिन दवा लाई वहाँ से अभी तैयारी भी हो गई अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि उस दूध को अभी उसके मित्र के द्वारा पिया नहीं गया अगर यहाँ पर यह संभावना है कि हो सकता है उसका सेवन कोई दूसरा कर ले या किसी को तो यह मात्र तैयारी की कोर्ट में माना जाएगा और उसने अभी तक इस, इस इतनी समस्या जो मैंने बताई इसमें उसने कोई अपराध नहीं किया दूसरे दृष्टांत के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए कि एक पति अपनी पत्नी को गर्भपात कारित करने के लिए दवा खरीद के लाता है जिससे उसकी पत्नी का गर्भपात हो जाए मिसकरेज हो जाए और वह दुकान से पढ़ा लिखा नहीं है शिक्षित नहीं है दुकान से दवा लाता है यह समझ करके कि इससे गर्भपात की दवा है और यह खिलाएंगे तो उसकी पत्नी और अपनी पत्नी को वह दवा गर्भपात कायित करने की खिला देता है परंतु वह जो दवा लाया है वह गर्भपात कायित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी उस स्त्री की हालत बिगड़ती है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है पाया जाता है टेस्ट होता है टेस्ट के माध्यम से पाया जाता कि उसने कुछ ऐसे दवा का सेवन किया है जिससे मिसकरेज होता पूछने जाने पर पति ने भी बताया कि ऐसा उसने किया है अब यहाँ प्रश्न होता है कि कानून की नज़र में पति ने कौन सा अपराध किया है पति ने मात्र तैयारी की है या वह उस अपराध का प्रयत्न किया है या कंप्लीट अपराध हो गया तो यहाँ पर इस स्थिति में पति अपराधी होगा अपराध का दोषी होगा भले ही वह मेडिसिन भले ही वह दवा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी यह उसकी अज्ञानता या ज्ञानता पर निर्भर नहीं करता लेकिन उसने अपना कार्य पूरा कर दिया था उस अपराध को करने के लिए यह अलग है कि ये डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट बता रहा है चिकित्सक बता रहा है कि इतनी दवा की मात्रा जो है किसी भी स्त्री के लिए मिसकैरेज के लिए पर्याप्त नहीं होती परंतु अभियुक्त के द्वारा जो कार्य किया गया उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं कोई भी कमी नहीं छोड़ी पूरा उसने अटैम्प्ट किया था उस कार्य को करने का तो इस दूसरी समस्या जो मैंने बताई दृष्टान्त बताया इसमें वह दोषी होगा और वह भले उसकी पत्नी बच जाती है तो अटेम्प्ट का दोषी होगा क्योंकि उसने अपना अटेम्प्ट किया उसको मिसकरेज करने का प्रयास किया भले ही वह मिसकरेज नहीं हो पाया क्योंकि दया दवा सफिशियंट नहीं थी पर्याप्त नहीं थी उसको मिसकरेज गर्भपात कारित करने के लिए तो यहाँ पर वह व्यक्ति कानून की नज़र में अपराधी माना जाएगा ये दूसरा दोनों दृष्टांत बताया तीसरा दृष्टांत है जैसे कि क ख को मार डालने के आशय से ख के घर में प्रवेश करता है और ख के बेड पर अंधेरे में ख के बेड पर गोली चला देता है जबकि वास्तव में ख उस दिन उस अपने शयन कक्ष में नहीं था इस प्रकार की समस्याएं भी पूछी जाती हैं प्रारंभ पूजा अब यहाँ पे क ने कौन सा अपराध किया क ने अपराध किया नहीं किया अटैम्प्ट किया तो क ने अटैम्प्ट किया है उस व्यक्ति का घर में न होना शयन कक्ष में न होना ये दूसरी बात है परंतु उस अभियुक्त के द्वारा जिसने अपराध किया है उसने अपनी तरफ से वे सभी कार्य कर दिए थे जिससे कि अपराध को गठित करने के लिए वे सभी तत्व तो आवश्यक हैं इसी तरीके से अगर हम दृष्टांत उदाहरणों के माध्यम से तैयारी और प्रयत्न के अंतर्गत देखें कि तैयारी और प्रयत्न में कैसे डिफरेंस किया जाए स्वयं धारा 511 के दृष्टांत में दिया हुआ है कि क के घर में प्रवेश कर बॉक्स तोड़ता है और पाता है कि बॉक्स खाली है क ने कौन सा अपराध किया क ने मात्र तैयारी की क ने चोरी का प्रयत्न किया क को ने कोई अपराध नहीं किया तो इस समस्या के आधार पर आप सभी का उत्तर ये होना चाहिए कि क ने चोरी का प्रयत्न किया है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है बाक्स खाली था यह उसको ज्ञान नहीं था उसने अपनी तरफ से वे सारे कार्य किए जो वह करना चाहता था और लॉय प्रज्यूम करती है कि वह सफल हो जाता यदि बॉक्स में कुछ सामग्री होती कुछ मूल्यवान वस्तु होती तो वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त करता अतः क कानून की नज़र में चोरी के प्रयत्न का दोषी बॉक्स खाली है बॉक्स एम है उसमें कुछ है ही नहीं फिर भी क चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा ठीक इसी प्रकार से अन्य दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए कि क ख के घर में प्रवेश करता है चोरी करने के आशा से परंतु ख को गरीब देखता है देखता है कि ख इतना निर्धन है कि उसके पास उसके बच्चों को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं इससे द्रवित होकर के क जो कि चोरी करने के लिए ख के घर में प्रवेश किया है और ख के बच्चों को देख करके वह वहाँ पर दो हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये स्वयं रख के आ जाता है जिससे कि वे अपने बच्चों को खिलाएगा अब यहाँ पर क के द्वारा ये पूछा जाए कि क ने कौन सा अपराध किया केवल मात्र समस्या यह है कि क ख के घर में प्रवेश करता है रात्रि में प्रवेश करता है परंतु देखता है कि ख के पास खाने को कुछ नहीं है क ख के घर में दो हज़ार रुपये नोट रख कर के चला आता है जब वो वापस आ रहा होता है पुलिस गश्त पे होती है रात में पुलिस उसको पकड़ लेती है पूछती है क्या करने आया वो बताता है कि मैं चोरी करने गया था परंतु मैं स्वयं उसी के घर में दो हज़ार रुपया दे के रख के आ रहा हूँ तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो माना जाना चाहिए कि क ने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन लॉ क्या मानती है कानून की नज़र में क दोषी होगा या नहीं दोषी होगा तो आप छात्रों का यह उत्तर इस मामले में मुझे लगता है समाजशास्त्री नहीं होकर के बल्कि लीगल उप, इसका जो परिपेक्ष में कानूनी परिपेक्ष में उसका उत्तर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से तो यह कहता है कि नहीं उसने तो उसकी मदद की है उसने स्वयं दो हज़ार रुपये दिए उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कानून कहता है कि उसको दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि वह ख की अनुमति के बिना उसके घर में प्रवेश किया एक प्रकार का ये अतिचार है एक एक प्रकार का अपराध है उसको अतिचार बोलते हैं हाउस ट्रेसपास बोलते हैं हाउस ट्रेसपास का मतलब कि गृह स्वामी की अनुमति के बिना घर में प्रवेश करना यह हाउस ट्रेसपास एक अपराध है और वह एक अपराध किया इस अपराध के साथ साथ उसने अटेम टू थेफ्ट भी किया चोरी करने के लिए अगर उससे पुलिस पूछती है कि किस लिए रात में प्रवेश किया वह कहता है कि मैं चोरी करने के लिए गया मैं जो देखा तो उसके घर में दो उसके द्वारा रखना कानून उस पर कोई कानून उस अभियुक्त के द्वारा दो हज़ार रुपया रखना उसके उद्देश्य उसके पवित्र उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखती उसका उद्देश्य पवित्र कितना भी हो परंतु कानून की नज़र में उसने विधि कार्य किया है निषिद्ध कार्य किया है अतः क आपराधिक अतिचार के लिए और चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा भले ही वह ख के घर में दो हज़ार रुपये की नोट रख के आया हो तो मुझे लगता है कि इस उदाहरण के माध्यम से सभी छात्र तैयारी और प्रयत्न में अंतर समझे होंगे कि कब यह मात्र तैयारी होगा कब यह क्रिमिनल अटैम्प्ट होगा कब हम इसको प्रयत्न की कोर्ट में लाएं इसको और दृष्टांत के माध्यम और भी उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि आपराधिक प्रयत्न पे बहुत सारी समस्याएं परीक्षा में होती है और बस केवल ये पूछा जाएगा कि इसमें क के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करें तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि समाज के दृष्टिकोण में कि दूसरे दृष्ट दूसरा अन्य दृष्टांत इसमें है कि को एक भिखारी जो कि भूख से पीड़ित है उसके पास खाने को कुछ नहीं है और वह एक दुकान सड़क पर एक दुकान में प्रवेश कर जाता है खाने के लिए और वहाँ रखा हुआ एक पैकेट बिस्किट वो उठा लेता है और उसको खाने लगता है उस भिखारी ने कौन सा अपराध किया है समाजशास्त्री जो डिफिनेशन होगी समाजशास्त्र के अनुसार या नैतिकता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह भीख से पीड़ित था डॉक्टर जब उसको ले गया अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने भी ये राय दी कि अगर यह एक बार अगर यह पानी नहीं पिया होता या इसके पेट में कुछ गया नहीं होता तो यह इसकी आते सूख गई थी इसकी इंटेस्टाइन बिल्कुल सूख गई थी और यह मर जाता ये डॉक्टर की ओपिनियन भी ये डॉक्टर का राय भी उस भिखारी के द्वारा किए गए कृत्य को कानून की नज़र में क्षम्य नहीं कर सकता है उसकी गरीबी उसकी निर्धनता उसकी लाचारी उसकी बेकारी कानून तोड़ने को क्षम नहीं कर सकती है नैतिकता और कानून दोनों में बहुत डिफरेंस है तो कानून की नज़र में वह भूखा वह भिखारी भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसको भी उस ब्रेड के लिए भले उस ब्रेड की कीमत दो रुपये हो उस भले बिस्किट की कीमत पाँच रुपये की पार्ले जी का बिस्किट हो परंतु कानून की नज़र में इन आई ऑफ लॉ उस बेगर ने भी एक अपराध किया है और उसको दंडित किया जाएगा दंडित करते समय हम उसके कारावास की मात्रा को न्यायालय कम कर सकता है सजा कम कर सकता है जुर्माना कम लगा सकता है लेकिन इन आई ऑफ लॉ कानून की नज़र में वह अपराधी है नैतिकता चाहे कुछ भी हो उसने अपराध किया है हमें ये मानना है और सभी छात्रों को इस बात को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की समस्याओं का कैसे उत्तर देना है अटेम्प्ट और तैयारी और प्रयत्न में कैसे हमें अंतर स्थापित करना है तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करते हुए उच्चतम न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण वाद उद्धृत करना यहाँ पर बहुत ही प्रासंगिक होगा जिसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण वाद इसमें है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट इस वाद के माध्यम से इस तथ्य के माध्यम से समस्त छात्र इस स्थिति में होंगे कि तैयारी और प्रयत्न में मौलिक अंतर क्या है कि किस कहाँ तक के कार्य को हम मात्र आपराधिक तैयारी माने और कैसे वह अटेम्प्ट मान लिया जाएगा सभी इस दृष्टांत के माध्यम से सभी छात्र भली भात समझ पाएंगे मैं इस तथ्य को पहले उद्धृत करना चाहूंगा देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय किया समझे तथ्य इस प्रकार से थे कि प्रस्तुत मामले में अभियान मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सौ बीस धारा 511 के अंतर्गत धोखाधड़ी के प्रयत्न के लिए अभियोजित किया गया था आरोप अभियोजित किया गया था अभियोजन करना और दोषिद्ध करना ये अलग है तो उस समय बस प्रयास ये होना चाहिए कि हम लिखते समय भी इस बातों का कानूनी बातों को भी ध्यान में रखें कि कन्विक्टेड एंड प्रोसिक्यूशन दोनों में बहुत अंतर है तो मैंने बताया कि इस प्रस्तुतवाद में अभियुक्त को आईपीसी 1860 की धारा 420 सौ पठित धारा 511 के अंतर्गत छल के प्रयत्न के लिए धोखाधड़ी के प्रयत्न के लिए अभियोजित किया गया था उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियान मिश्रा अपने आप को एक विद्यालय में शिक्षक बताते हुए और ग्रेजुएट स्नातक बताते हुए पटना विश्वविद्यालय से परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला के लिए आवेदन करता है अपने को शिक्षक बताते हुए और स्नातक बताते हुए पटना विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन का फार्म भरता है उसका एडमिशन भी, भी हो जाता है प्रवेश भी हो जाता है परंतु जब उसे परीक्षा देने को होता है इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ऐसी स्थितियों में सभी प्रवेशार्थियों के डॉक्यूमेंट को विश्वविद्यालय अपने आंतरिक मशीनरी के द्वारा डॉक्यूमेंटों का सत्यापन कराता है परीक्षण कराता है विश्वविद्यालय के द्वारा जब दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया तो ये पाया गया कि अभियुक्त न तो ग्रेजुएट था न तो वह स्नातक था और न तो ही न तो वह कहीं पर शिक्षक था तो दो दस्तावेजों के माध्यम से जो वह पटना विश्वविद्यालय में एम करना चाहता था और एम में प्रवेश भी दाखिला भी ले लिया था और विश्वविद्यालय के द्वारा जांच करने पर पाया गया कि न तो वह ग्रेजुएट है न तो वह शिक्षक है अब विश्वविद्यालय के द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की गई आपराधिक कार्रवाई जब की गई तो उसने ये दलील लिया कि अभी विश्वविद्यालय अभी अभयर मिश्रा के द्वारा अभियुक्त के द्वारा विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई न तो विश्वविद्यालय से उसने डिग्री लिया न तो विश्वविद्यालय को उसने परीक्षा दिया तो इसमें विश्वविद्यालय को चीट करने का कहीं पर अभी प्रश्न ही नहीं आया अभियुक्त की तरफ से अधिवक् उच्चतम न्यायालय में अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता के द्वारा ये दलील तर्क प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा किया गया अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य मात्र यह तैयारी है प्रिपरेशन है या ना माना ना माना अब इन तो तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय किया कि अभियुक्त अभियान मिश्रा के द्वारा पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपने को शिक्षक होने का दस्तावेज तैयार करना अपने को स्नातक होने का दस्तावेज तैयार करना यहाँ तक का कार्य तो यहाँ तक का कार्य तो तैयारी माना जाएगा मात्र प्रिपरेशन थी और जैसे ही उस दस्तावेज को उसने विश्वविद्यालय में पोस्ट ऑफिस डाक के माध्यम से उसने जमा किया जैसे ही उसने पोस्ट ऑफिस डाक के माध्यम से चूंकि उसने भेजा था जैसे ही उसने पोस्ट ऑफिस में फार्म को जमा किया उसी क्षण जो है वह तैयारी की कोर्ट से बाहर होकर के और आपराधिक प्रयत्न की परिधि में आ गया अतः तो इसलिए अभियुक्त आपराधिक प्रयत्न का दोषी माना जाएगा तो अब उसके प्रायशित जो अंतिम अवसर था उसको प्राश्चित करने का या विचार बदलने की उस संभावना खत्म हो गई अर्थात अब वह चाह के भी अपने कार्य से पीछे नहीं हो सकता है इसमें विचार बदल नहीं हो सकता है तो इसलिए तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करने के लिए जो सिद्धांत विकसित किए गए कि कैसे हम इसमें एक बारीक रेखा कैसे समझा जाए कि प्रिपरेशन है या अटैम्प्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज जैसे ही जमा किए गए होंगे पोस्ट ऑफिस में और उसी क्षण यह अटैम्प्ट के परिधि में आ गया उसके गोले में आ गया और यह मात्र अब यह प्रिपरेशन नहीं है तैयारी नहीं है यह आपराधिक प्रयत्न माना जाएगा और उसको आपराधिक प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया गया तो मैं समझता हूँ कि दृष्टांत के माध्यम से सभी छात्र तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करने में सफल होंगे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में दूसरा इसमें जो अंतर स्थापित किया जाता है तैयारी और प्रयत्न में इसके दो सिद्धांत हैं एक सिद्धांत तो सन्निकटता का सिद्धांत है प्रॉक्सिमिटी रूल है कि कहाँ तक के कार्य को तैयारी माना जाए कहाँ तक के कार्य को अटेम्प्ट माना जाए इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए गए उस सिद्धांत में एक सिद्धांत है सन्निकटता का प्रॉक्सीमेट रूल अर्थात जहाँ पे अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य और लक्ष्य के मध्य बहुत नज़दीकी हो करीब हो जिससे कि अब केवल बाह्य हस्तक्षेप के कारण या किसी संसाधन की अक्षमता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो उस कार्य को हम प्रयत्न मान लेंगे अटेम्प्ट मान लेंगे अर्थात रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो सन्निकटता का सिद्धांत है स्लाइड के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बातें सभी छात्र समझ पाएंगे इसमें जो स्लाइड है पहला है सनिकटता का सिद्धांत प्रॉक्सिमिटी रूल इसको बोलते हैं इस प्रॉक्सिमिटी रूल आ, में एक केस मैंने लिखा है महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस के मैं अभी तथ्य को डिस्कस करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे दूसरा एक है डॉक्ट्रीन ऑफ लोकस पोटेंटिया विचार बदलने की संभावना जिसमें मैंने केस बताया अभयारण मिश्रा बनाम बिहार राज्य की केस कि कब तक अभी को विचार बदलने की जब अपराध करने के अंतिम अवसर हो उसके पहले विचार कभी भी बदल लिया जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा तो मात्र तैयारी होगा वह वह केवल और केवल प्रिपरेशन की कोर्ट में आएगा लेकिन जब विचार बदलने की संभावना न हो अब इसको देखेंगे पहला तो मैं बता रहा था कि सन्निकटता के सिद्धांत के अंतर्गत जब अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य और घटित अपराध के मध्य इतनी सन्निकटता हो इतनी निकटता हो क्लोजनेस हो कि बाह्य हस्तक्षेप या किसी संसाधन की क्षमता के कारण वह अपराध न हो पाए तो उस कार्य को हम आपराधिक प्रयत्त मानेंगे और उस कार्य को आपराधिक प्रयत्त माना जाता है जैसे उदाहरण के तौर पर कि क ख को इसको दिशान के माध्यम से समझा जा सकता है जैसे क ख को मारने के आशय से ख के ऊपर गोली चलाता है परंतु क और ख के बीच की दूरी 100 मीटर है क ख पर गोली चलाता है परंतु गोली ख को नहीं लगती यहाँ पर प्रश्न है कि ख को गोली न लगने के आधार पर ही हम माने कि अपराध नहीं हुआ कौन ने वे सारे कार्य कर दिए परंतु उस गोली की उस पिस्टल की मारक क्षमता बंदूक की मारक क्षमता इतनी नहीं थी कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए तो यह लक्ष्य की प्राप्ति संसाधन की क्षमता और क्षमता पर उसके कार्य को क्षम नहीं कर सकता है उसने जो भी कार्य कौ ने जो भी कार्य किया है वह विधि के अंतर्गत अपराध माना जाएगा उसने अपनी तरफ से वे सारे कार्य कर लिए जिससे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था परंतु हस्तक्षेप कोई बाह्य हस्तक्षेप ऐसा है वो उसकी क्षमता हो सकती है या कोई अन्य पुलिस हस्तक्षेप हो जाए जिससे कि वो अपने कार्य लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए तो ये कार्य अपराध माना जाएगा अटेम्प्ट माना जाएगा इसमें ये सन्निकटता के सिद्धांत में जैसे मैंने केस बताऊं कि महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब ए आई की केस है इस वाद में तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त को भारतीय जनसंहिता की भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत भारतीय भूभाग से स्मगलिंग के लिए स्मगलिंग के प्रयत्न के लिए अभियोजित किया गया था अभियुक्त और उसके दो अन्य सहयोगी को बॉम्बे महाराष्ट्र राज्य में समुद्र के किनारे उस समय कस्टम प्राधिकारियों के द्वारा उस समय अरेस्ट कर लिया गिरफ्तार कर लिया गया जब ये है जीप से जो पानी इसके कुछ अन्य सहयोगी जो स्टीमर से लेकर के आ रहे थे चांदी जो कि स्मगलिंग कर रहे थे जैसे ही पुलिस की आवाज़ वहाँ पे देखे सुने और वह वहीं से समुद्र के ही रास्ते से पीछे भागने लगे परंतु इन तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया यद्यप कि ये है स्मगलिंग नहीं कर पाई यदि यद्यप कि वे ये भारतीय भूभाग से चांदी को भेज नहीं पाए बाहर नहीं भेज पाए बा हस्तक्षेप कारण उनको पकड़ लिया गया बाह हस्तक्षेप के कारण का मतलब वहाँ पे जो कस्टम प्राधिकारी थे जो समुद्री तट पे थे उनके द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया अभियुक्तों के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क लिया गया कि इन लोगों की अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य मात्र तैयारी की कोर्ट में है और तैयारी दंडनीय नहीं है यह अटेम्प्ट इन्होंने आपराधिक प्रयत्न नहीं किया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इन अभियुक्तों के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अभियुक्तों के द्वारा पुलिस की आवाज़ सुन करके और चांदी के कुछ वस्तुएं अपने सहयोगियों को फेंक देना अब यह उनके द्वारा प्रयत्न की तैयारी की कोर्ट से आगे हो गया था और उन्होंने आपराधिक प्रयत्न कर दिया था यदि हस्तक्षेप नहीं हुआ होता यदि पुलिस हस्तक्षेप न होता तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते अतः इन अभियुक्तों को अपराधी उस अपराध के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी ठहराया गया दोषी ठहराया गया तो मैं समझता हूँ कि दो सिद्धांत जो हैं संयुक्त सन्निकटता का, का सिद्धांत प्रॉक्सिमिटी रूल मोहम्मद महाराष्ट्र राज बनाम मोहम्मद याकूब का केस अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज का केस इन दो सिद्धांतों के आधार पर इन दो महत्वपूर्ण वादों के आधार पर सभी छात्र इस स्थिति में होंगे कि तैयारी और प्रयत्न में अंतर को समझ पाएंगे इसमें कुछ अन्य दृष्टांत हैं जिस दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा तैयारी और प्रयत्न के अंतर्गत दूसरा जैसे कि अटेम्प्ट को और क्लियर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि इसमें धारा पाँच में संशोधन किया जाए जिससे कि आपराधिक प्रयत्न को और इसमें स्पष्टता लाई जाए इसके कानून को तो उसके अंतर्गत राष्ट्रीय विधि आयोग ने सिफारिश की कि आपराधिक प्रयत्न को कैसे इसमें संशोधन किया जाए वे सभी कार्य जो अभियुक्त के द्वारा अपराध करने के लिए अपराध की दिशा में उठाया जाए कदम और बाह हस्तक्षेप के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाए तो उसको आपराधिक प्रयत्न माना जाए और यह बहुत हद तक धारा 511 का जो दृष्टान्त है उस दृष्टान्त के आधार पर ये बताने का प्रयास किया गया कि धारा 511 में यदि जब एक व्यक्ति आपराधिक आशय के साथ आपराधिक तैयारी के साथ अपराध करने की दिशा में कोई कदम उठाए परंतु वह निष्फल हो जाए असफल हो जाए किसी अक्षमता के कारण तो उस कार्य को आपराधिक प्रयत्न माना जाना चाहिए और इसके अंतर्गत अन्य वाद आर बनाम जो इंग्लिश केस है वो आर बसेस टेलर का है आर बनाम रॉबिनसन का है इसको अंग्रेजी वाद के माध्यम से भी तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित अंतर को समझने का प्रयास किया जा सकता है एक दृष्टांत इसमें तैयारी और प्रयत्न में और देखने को होता है जिससे कि इसमें इसकी क्लैरिटी अस्पष्टता और आएगी जैसे मैं बताने का प्रयास करूं कि एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति को ख की हत्या करने के आशय से उस पर गोली से प्रहार उसे गोली उस पर गोली चलाता है परंतु गोली ख को न लग करके गोली ग को लग जाती है तो इस इस समस्या में दो चीज़ों को दो चीज़ों को ऐड किया गया है एक तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का भी सिद्धांत है कि क ख को मारना चाहता है लेकिन वह गोली लग जाती है ग को तो ये ट्रांसफर ऑफ है कि मतलब वह दोषी तो होगा लेकिन ग की हत्या के लिए दोषी होगा कि ग को उसने मृत्युकारित कर दी है और वह ख को मृत्युकारित करने में सफल हो जाता है यदि वहाँ पे कोई बाह्य हस्तक्षेप के कारण उसको ख को गोली नहीं लगती है आपराधिक तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करने के लिए एक और भी दृष्टान्त को इसमें उद्धृत किया जा सकता है जिससे कि आप सभी छात्रों की का संदेह दूर होगा इसमें एक इम्पॉसिबिलिटी रूल को भी ले डाउन किया गया असंभवता का नियम जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को गर्भपात कारित करने के लिए दवा खिलाता है परन्तु वास्तव में वह उसकी पत्नी गर्भवती नहीं थी मैंने दो दृष्टांत बताए इसमें एक तो पहले बताया कि पत्नी गर्भवती है और उसको दवा खिला रहा लेकिन दवा पर्याप्त नहीं थी तो उस इसमें क्या उसकी लाइबिलिटी होगी आपराधिक दायित्व तो क्या होगा दूसरा दृष्टांत है कि वास्तव में जो ऑब्जेक्ट जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है अभियुक्त वो वास्तव में उसको ज्ञान ही नहीं है जैसे कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को ऐसी कोई दवा खिलाना जिसमें कि वास्तव में वह उसको गर्भपात है ही नहीं वह गर्भवती नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या वह दोषी होगा या नहीं होगा इस पर लेकर के जो अंग्रेजी वाद हैं या रूल हैं बहुत सारे टेक्स्ट बुक में भ्रम उत्पन्न डाउट उत्पन्न किया गया है परंतु उसका केवल एक उत्तर है कि जहाँ पर कोई पति अपनी पत्नी को गर्भपात कायद करने के लिए दवा खिलाता है यद्यप कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है गर्भवती नहीं है तो लाइबिलिटी क्या होगी वह उत्तरदायी होगा यदि उसने दवा खिलाई है और वह उसकी पत्नी जबकि वास्तव में गर्भवती नहीं है वह अटेम्प्ट क्रिमिनल अटेम्प्ट का दोषी होगा उसको यह तथ्य की ज्ञान अनिभिज्ञता कि उसकी वाइफ वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं है या था ही नहीं ये एक अलग प्रश्न है वह तो ये जानते हुए खिलाता है ये मेडिसिन दुकान लाता है मेडिकल हॉल से कि जिससे कि उसकी वाइफ अभी इस मामले में ऐसे प्रश्न प्रायब छात्रों में होता है कि इस प्रकार से जो काल्पनिक प्रश्न हैं काल्पनिक प्रश्न है इस प्रश्नों को परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों पूछा जाता है तो ये जो काल्पनिक प्रश्न है ये किसी न किसी केस के माध्यम से या किसी न किसी समस्या के माध्यम से टेक्स्ट बुक में रहते हैं और छात्रों के समझ रखे जाते हैं कि उनके जो विश्लेषण क्षमता है वह धारा पाँच सौ ग्यारह से संबंधित मामलों को समझ पाए या नहीं समझ पाए हैं इन बातों को परखने पर के लिए इस प्रकार की समस्याएं सामने लाई जाती हैं जिससे कि उनके विश्लेषणात्मक क्षमता जो एनालिटिकल पावर है उसका विश्लेषण किया जाए कि वास्तव में एनालिसिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो मिस्टेक का जो तथ्य का अनभिज्ञ होना और कार्य को करना लक्ष्य को हासिल करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं वह नहीं जानता है कि पत्नी गर्भवती है उसको उसको तो यदि ज्ञान आभान है कि नहीं उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको गर्भपात किसी कारणवश उसको मिसक्रेज कराना चाह रहा है वो अभी बच्चा नहीं चाह रहा है तो पत्नी को दवा खिलाता है इसलिए मेडिकल हाल से ला करके कि वह और पत्नी की हालत बिगड़ने पर कैसे न्यायालय के समस्या आएगा पत्नी की हालत बिगड़ने पर एडमिट होगी पुलिस पूछताछ करेगी तब तो बताएगा ये सब चीज़ें तो ये माना जा सकता है कि उसने अटेम्प्ट तो किया है आपराधिक प्रयत्न जब तक कोई डिस्प्यूट न्यायालय के समझ नहीं आएगा तो हम उसको साक्ष्य के रूप में ये जो उसकी समस्याएँ हैं अगर इस सम जो मैंने दृष्टांत तो आपको कोर्ट किया ये मानते हुए कि एक प्रकार ये सारे न्यायालय के समय साक्ष्य हैं और न्यायाधीश के रूप में आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें निर्णय क्या देंगे उसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी तो ये सोचना है कि लाइबिलिटी है या नहीं है तो हमको अगर इस केस इस प्रकार की समस्या अगर न्यायाधीश के रूप में आपके समझ आती है तो आप इस पर निर्णय क्या देंगे आपको धारा पाँच की गहनता से अध्ययन करना है और इसमें एक ही निर्णय होगा कि वह आपराधिक रूप से आपराधिक प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा उसने अपने सारे कार्य कर दिए अब इसमें न तो विचार बदलने की संभावना है अपने पीछे वह विमुख नहीं हो सकता पीछे हट नहीं सकता उसने सारे कार्य कर दिए जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे परंतु वास्तव में वह प्रेग्नेंट नहीं थी या उसको एक अलग विषय हो सकता है तो मुझे लगता है कि इस दृष्टांत के माध्यम से आप सभी आपराधिक तैयारी आपराधिक प्रयत्न स्टेजेज ऑफ क्राइम के विषय में सभी छात्र भली भाग से परिचित होंगे सभी सभी को पूरी जानकारी हो गई होगी मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी तथ्य जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज दृष्टान्त दिए गए तैयारी और प्रयत्न को उससे आप में एक समझने की परख जागृत होगी आप इसको बेहतर समझ पाएंगे इसी आशा उम्मीद के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद